आगरा के एतमादपुर के ग्राम पंचायत अगवार में ग्रामीणों एवं सदस्यों ने पंचायत घर पर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया है। पंचायत घर पर प्रधानी को द्वारा से चुनाव कराने के लिए नारे लगाए हैं। आपको बताते चलें कि ग्राम पंचायत सदस्य एवं ग्रामवासियों से वार्तालाप करने पर यह जानकारी निकलकर सामने आई कि ग्रामवासियों एवं पंचायतवासियों का कहना है कि द्वारा चुनाव कराए जाएं, खुली मीटिंग होकर इस प्रस्ताव को पारित किया जाए। दरअसल ग्राम पंचायत एवं समस्त पंचायत सदस्यों का कहना है कि प्रशासन द्वारा मनमानी नहीं सही जाएगी। हम आपको बताते चलें कि ग्राम पंचायत अगवार प्रधान को जेल हो जाने के कारण पंचायत में द्वारा चुनाव कराने के लिए ग्रामवासियों ने मांग की है। वहीं पंचायत घर पर लगभग 10 से 12 सदस्य एकत्रित हुए, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा अस्थायी रूप से ग्राम पंचायत अगवार प्रधान के रूप में सदस्य वार्ड 3 भावना सिंह को नियुक्त किया गया था। इस सूचना को मिलते ही ग्राम पंचायत सदस्य एवं ग्रामीणों में काफी आक्रोश पैदा हो गया। पंचायत घर पर एकत्रित होकर सरकार एवं शासन प्रशासन के मुर्दाबाद के विरोध के नारे लगाए। वहीं पंचायत घर पर ग्राम पंचायत सदस्य उपस्थित रहे, जिसमें भूरी सिंह, योगेश कुमार, सोनू कुमार और राधा देवी व तमाम ग्रामीण मौजूद रहे, जिन्होंने द्वारा चुनाव कराने के लिए ग्राम पंचायत में मांग की है। ग्राम पंचायत अखबार में जो प्रधानी का जो चुनाव हुआ है वो बिना खुली मीटिंग के और एक प्रत्याशी को निर्विरोध करवा दिया है। न कोई मीटिंग हुई, न कोई सदस्य बुलाए और ऊपर ही ऊपर अवैध रूप से सारे काम हो गए। आप इसमें क्या चाह रहे हो सभी लोग? हम ये चाह रहे हैं कि सभी सदस्यों को बुलाया जाए, खुले रूप से मीटिंग हो और उसमें चुनाव किया जाए। मैं ये चाह रहा हूँ विकास खंड अधिकारी और जो है BPRO ने हमारी जो बगैर उपस्थिति में प्रधान चुन दिया है। जाने से जो समिति बैठक होनी थी वो अब बैठक नहीं हो पाई, जो कि यहाँ के जितने भी सदस्य थे वो मतलब एक तरफा हो गए और एक 5 सदस्य एक तरफा थे, उसको BPRO और DM और CDO इन तीनों ने एक समस्या हल कर दी, उसको प्रधान कल तो जिस तरफ 10 सदस्य थे उसको प्रधान चुना है या फिर जिस तरफ 5 सदस्य उन्हें प्रधान चुना है? 5 सदस्य थे और उसको चुना गया है। तो सदस्यों की, ग्रामीणों की सहमति से या प्रशासन प्रशासन की सहमति? प्रशासन की सहमति से। ठीक, आप क्या चाह रहे हो उसमें? ग्रामीण मतलब सहमति से होना चाहिए। हमें वो अच्छी नहीं है, संतुष्ट नहीं है। हम किसी और प्रधान को चुनना चाहते हैं। चुनाव चाहते हैं। अच्छा, आज आप पंचायत घर पर इकट्ठे हुए हो, किस विषय को लेकर इकट्ठे हुए हो? इकट्ठे हैं क्योंकि हमारे गैर मौजूदगी में हमारे अंडर में 10 सदस्य हैं। हमारे गैर मौजूदगी में हमारे बगैर जानकारी में एक सदस्य प्रधान पद हेतु चुना गया है, वो भी नरेंद्र, क्या नाम है उसका, भावना देवी के। हम 10 सदस्य होते भी 5 सदस्य के अनुसार वो चुना गया है। ऐसी कोई बैठक हुई या फिर कोई सदस्य? बैठक नहीं हुई, कोई किसी को कान खबर नहीं है। 15 सदस्यों में से किसी को नहीं है, हमारे भी 10 सदस्य हमारे साथ हैं। कोई हथगा किसी को जानकारी नहीं है एक भी पल की। आपको उनसे परेशानी क्या है? परेशानी है क्योंकि पहले नंबर तो यह हमारे को कोई सूचना नहीं थी। अगर सूचना होती तो एक बार हम उनके बारे में सोचते, कोई सूचना नहीं, बगैर मौजूदगी में उनको कार्यकाल मतलब घोषित कर दिया कार्यवाही। आप चाह क्या रहे उसमें? हमें चुनाव हमें मतलब ग्राम पंचायत मतलब कमेटी गठित करना चाहते हैं पंचायत।